जय जगन्नाथ। आप समस्त स्वागत करुच आम चैनल नॉलेज ऑफ 98 को। जमीक आम प्रीवियस ईयर देखते कि ओपीएससी जो आमर अच्छे ओपीएससी एस जो नोटिफिकेशन यही मस बाहर तार आम मैथ्र पूरा डिटेल सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा भाव में एनालिसिस करते कि कौ चैप्टर के मार्क कौ चैप्टर के क्वेश्चन आपको कौ चैप्टर बेसी आस चैप्टर कम आस ठीक अच्छे। तो जमी मो मैथ वीडियो कही थी कि आम नेक्स्ट टाइम रिजनिंग देखा तो आज आप नहीं आस रिजनिंग पूरा सिलेबस एनालिसिस ठीक अच्छे। ओपीएससी जो एएस रो आपर सिलेबस रही रिजनिंग रिजनिंग पूरा डिटेल सिलेबस एनालिसिस और प्रीवियस क्वेश्चन में कौ पोर्सन रू के मार्क आसाला से आपको डिटेल पूरा एक्सप्लेन करो चैप्टर आप बेस इंपोर्टेंट कौ चैप्टर आपको बेस प्राक्ट करवा दरकार कौ चैप्टर टिके टिके प्राक्ट करवा दरकार ठीक है। तो से डिटेल जानापी आपड़ो को लास्ट जाए देखु एवं जदि आपको भिडियो भल लगे तो भिडियो को सेयार करूँ और गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल नुआ अच्छे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करवा सहित बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ ठीक अच्छे। तो आज आम कौन देखा ओपीएससी एएसओ 2021 जो नोटिफिकेशन आसो तार रिजनिंग सिलेबस आ प्रीवियस क्वेश्चन रो फुल डिटेल एनालिसिस आम देखा कि कौ चैप्टर के मार्क आस ठीक अच्छे। तो चलो देखा तो देखो रिजनिंग को टोटल दुईटा टाइप आम डिवाइड कर गोटे वर्बल रिजनिंग और आप नॉन वर्बल रिजनिंग ठीक अच्छे। तो रिजनिंग बेसी सेमती किसी कष्ट कष्ट पार्ट नो बहुत इजी पार्ट आपको बहुत कम टाइम लगे तार कनसेप्ट आप शिखापी ठीक अच्छे। कि रिजनिंग आमको रिजनिंग मेन काम आस रिजनिंग आमको टाइम सेव कर आउ मार्क उठेब ठीक अच्छे। कारण रिजनिंग एमती गोटे पार्ट जो जो पार्टी आम बहुत कम टाइम बेसी आउटपुट आम तापर मानने जब आप प्राक्ट ठीक थी और कनसेप्ट ठीक थी तो रिजनिंग पचासटा क्वेश्चन कर मैक्सिमम रू मैक्सिमम 20 मिनिट्स लगे 15 to 20 मिनिट्स ही लगे। आउ जदि आप पूरा कनसेप्ट क्लीयर ना 50 to 50 मार्क्स भी आप आराम से उठे पारे रिजनिंग ठीक अच्छे। तो रिजनिंग बहुत इजी चैप्टरटा और मार्क उठेबाक और टाइम सेविंग करने गोटे भल चैप्टर। तो रिजनिंग आम टोटल टू पार्ट्स डिवाइड होती है वर्बल आउ गोटे नॉन वर्बल। तो वर्बल आम कौन सिलेबस अच्छे ना नंबर सीरीज अच्छे अल्फाबेट सीरीज अच्छे। तो नंबर सीरीज आप खाली नंबर देखा पाइबे और अल्फाबेट सीरीज खाली अल्फाबेट देखा पाइबे। नेक्स्ट अच्छे डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एमती आप क्वेश्चन दे थो तुसार आपको सल्व कर डायरेक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट आसा कोडिंग एवं डिकोडिंग गोटे कोड दे डिकोड करार अच्छे ठीक अच्छे। ना ए बी सी डी इज कोड ईफ जी एस तो फाइन ए आई जे के एल इज कोड के हम तो सर कोडिंग डिकोडिंग आप गोटे कोड दे आप डिकोड करेंगे। नेक्स्ट नंबर रैंकिंग ऑर्डर ऑर्डर आप अनुसार आप सजे माने जो आपको कहुच डिक्शनरी ठीक अच्छे। डिक्शनारी आप नंबर वाइज सजातु कि आसेंडिंग ऑर्डर कि डिसेंडिंग ऑर्डर सजातु से टाइप रहा नंबर रैंकिंग ठीक अच्छे। नेक्स्ट आसा आरिथमेटिक रिजनिंग एवं प्रॉब्लम ऑन एज ए दुटा आप वर्बल रिजनिंग एति पार्ट अच्छे। ना कौन कौन नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज डायरेक्शन जाऊँच कोडिंग डिकोडिंग जाऊँच नंबर रैंकिंग जाऊँच आरिथमेटिक रिजनिंग जाऊँच प्रॉब्लम ऑन एज जाऊँच। नेक्स्ट आस नॉन वर्बल रिजनिंग नॉन वर्बल रिजनिंग कौन कौन आस नॉन वर्बल सीरीज आस मिरर आउ वाटर इमेज आसो ठीक अच्छे। क्यूब्स एंड डाइस आसो आउ गोटे कौन आस ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स एतिक आप नॉन वर्बल रिजनिंग सिलेबस नॉन वर्बल सीरीज आसो मिरर एंड वाटर इमेज आसो क्यूब्स एंड डाइस आसो ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स आप नॉन वर्बल रिजनिंग आसो ठीक अच्छे। तो मु रिजनिंग जो प्रीवियस 2019 क्वेश्चन था एएसओ रो डिटेल पूरा भल भाव में आनालीसीस कली ना देख ली कौ चैप्टर के मार्क आस देख ठीक अच्छे। ना से बहुत इंपोर्टेंट ना कौ चैप्टर आप बेस क्वेश्चन पचार कौ चैप्टर आप कम क्वेश्चन पचारे तो से चैप्टर से कनसेप्ट आम देखा पड़ो तुसार आम स्ट्राटेजी की प्लानिंग बनुसार आम स्टेप बै स्टेप चैप्टर वाइज चैप्टर आम कवर कर चलो देखा कौ चैप्टर आप क्वेश्चन आसते प्रीवियस क्वेश्चन में आमर कौन कौन प्लानिंग रोज से चलते देखा। तो देखो कौन कौन आम कौ कौ चैप्टर क्वेश्चन आस देखो सीटिंग आरेंजमेंट 6टा क्वेश्चन आसे टोटा डायरेक्शन रु 3टा आसे सिलोजम रु गोटे आसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रु 4टा आसे ब्लड रिलेशन रु गोटे नंबर सीरीज रु 3टा कोडिंग डिकोडिंग रु 10टा आसे कोडिंग डिकोडिंग रु आपको 10टा क्वेश्चन आसे ऑड फाइंड रे आपको गोटे आसे काउंटिंग फिगर रु 6टा आसे आउ डाइस रु 3टा आसे वाटर इमेज 4टा और मिरर इमेज रु 2टा क्वेश्चन आपंकर
आसचे ठीक अच्छे। तो ये चैप्टर आप जी चैप्टर मुझे लिखिली से आप ठीक है। तो जैसे मुझे लिखिली देखो सीटिंग आरेजमेंट छटा एमती प्रति चैप्टर ये आपको क्वेश्चन आसी प्रिवियर क्वेश्चन प्रिवियस इयर 2019। तो आमको देखा पड़े कि आमको कौ चैप्टर आमको भलसे प्राक्ट कराप पड़ो देखो ये क्लीयर आपको दूसरा कोडिंग डिकोडिंग 10टा क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन आपको पचार कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग आरेजमेंट 6टा काउंटिंग फिगर 6टा क्वेश्चन आपको पचार स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 4टा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये बहुत माने बुझे कष्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ताको आम सिलक्स बोली भी कौच ठीक अच्छे सिलक्स बोली भी कौच ठीक अच्छे। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आप सिचुएशन सिचुएशन दे थे सिचुएशन रही आप डिसीजन कौन रही अच्छे आप सिचुएशन भर्ती करदेव से सिचुएशन जब आप निजे थे से परिस्थित आपने कौन डिसीजन तो से टाइप क्वेश्चन को आप माइंड रेडी खेल पड़ो बाकी सब आप सेम कि ना सीटिंग आरेंजमेंट फॉर्मूला अच्छे डायरेक्शन आप आराम से डायग्राम जब आप ठीक अच्छे मैंने डायरेक्शन आप करेक्ट हम सिलोजिम सिलोजिम एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन दीदार डाउट देन ब्लड रिलेशन आप मुंड खटा पड़ो घावरा न कि मानने शांति मन आप कले ब्लड रिलेशन आराम से हो। नेक्स्ट आसा नंबर सीरीज आप फॉर्मूला अच्छे नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग आप मैंने दु तीन टाइम कनसेप्ट दु तीन मैंने बेसिक कनसेप्ट आपको यूज करापाई पड़ो ठीक अच्छे। मैंने कोडिंग डिकोडिंग आप सांगे सांगे होने की क्वेश्चन कोड दे डिकोड सांगे सांगे आम करें गोटे 4-5टा फास्ट एटेम्प्ट्रे तो होगी भल कथा कितु जदि भी होने आमको रेगुलाली 4-5टा आमको अटेम्प्ट कराइ पड़े ना तार डिकोड केमती आम करवा से डिकोड कले आम मानने तार भितर रिलेसन कौन आम से फाइंड करा पड़ो ठीक अच्छे। देन आसला आमर ऑड फाइंड आर आर भी आप मुंड खटा पड़ो किसी फर्मुला ना आसला काउंटिंग फिगर भरपूर खाली फर्मुला फर्मुला भरते काउंटिंग फिगर ठीक अच्छे किसी डरबार ना डाइस दु तीन टाइम कनसेप्ट अच्छे एवं ऐसे वाटर इमेज मिरर इमेज आर बहुत इजी आर किसी दरकार भी ना मान आम फर्मुला आर बहुत वाटर इमेज मिरर मिरर इमेज आप गोटे एमती गोटे चित्र दबो एमती गोटे मार्कर दबो ठीक अच्छे एमती मार्कर दबो आर मिरर मिरर इमेज कौन हो माने आगे जो मिरर रखा तार तार माने मिरर तार केम दूसब से उल्टा उल्टा दूसब ओबियसली सर आपको देखा पड़ो। तो ये था टोटल रिजनिंग ना को चैप्टर आप कितने मार्क आसूँ ठीक अच्छे को चैप्टर आप कितने मार्क आसा टोटल एनालिसिस। तो मुझे जमी मैंने कही कि मेथड एनालिसिस बेले कि नोटिफिकेशन आसला जाए आम केवल आम केवल मैथ ही प्राक्टिस करवा जब आम नोटिफिकेशन आसब आम से रिजनिंग है जिके आम पूरा प्रपर प्रपर तरीके आम स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। कहीं कहे देखो रिजनिंग बहुत इजी चैप्टर से आप आराम से होता किसी वरी हाँ दरकार ना कि आमको प्राक्ट करने पड़ो कहीं रिजनिंग है कि मैथ आमको जहाँ भी सरी रिजनिंग है कि मैथ आमको जहाँ भी टोटल 100 मार्क्स आसमें जहाँ 90+ आमको स्कोर करने पड़ो कहीं आम हाथ अच्छे आम जिके जेस डिपेंड होपर ना कारण जिके जेस के एंगल रु कौ पार्ट्र कौ चैप्टर मत से पचारे आप किसी कही पारे कि आम आम चेषा जारी आम आम स्ट्राटेजी हिसाब से आम पढ़ा कथा कितु आम हाथ में 90+ अच्छे 90+ आम रखा पड़ो कहीं 90+ रख लुना दिटा सब्जेक्ट 90+ रखदेलु आम जिके जेस टिके क्वेश्चन को स्किप कले आम सेफ जोन में रहा जदि आम यहीटा भी करवानी से करवानी आईर भी क्वेश्चन जीव तहरे भी क्वेश्चन जीव ठीक अच्छे। तो यहाँ आम कवर कर रिजनिंग की मैथ आम कवर कर एग्जाम मार्क आम कवर कर ठीक अच्छे। तो रिजनिंग की मैथ आम प्रपर हिसाब से प्रपर तरीके आम स्टार्ट करूँ तो मैथ मुझे कहली कि आम बहुत जल्दी स्टार्ट करदेव कितु स्टार्ट करने आगर मुझे गोटे तीन टा चार क्लास आनबी उठले पूरा मैथ्र प्रिवियसर क्वेश्चन पूरा मैथ्र आम पूरा सल्यूशन करूँ प्रिवियसर क्वेश्चन रो पार्ट ऑफ रिजनिंग रो गोटे पार्ट ऑफ जीके जेस आउ गोटे पार्ट ऑफ ओडिया ग्रामर ठीक अच्छे। तो चार्टा पार्ट आने भी प्रति पार्ट गोटे गोटे पोर्सन को आम डिटेल्स मानने तार क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके तार सल्यूशन आम का गोटे गोटे भिडियो गोटे गोटे पार्ट सब जगह पार्ट मिसले बहुत लंबा लंबा भिडियो हो सारा किसी आम टेनसन नबार ना किसी दरकार भी ना
कम पढ़ी आम तुम बेस आउटपुट पाइबा चेस्टा करवा। तो गोटे भिडियो गोटे ही पार्ट आम सल्यूशन करवा, गोटे पार्टर मैथ आ गोटे पार्टर रिजनिंग आ गोटे पार्टर जिके जिस आ गोटे पार्टर ओडिया ग्रामर इंग्लीश ग्रामर ठीक अच्छे। तो ये भिडियो आप जल्दी आसो आस नोटिफिकेशन बाहर पर आम जल्दी मानने जिके जिस स्टार्ट करदे जिके जिस करेन्ट अफेयर्स आम स्टार्ट करदे ठीक अच्छे। तो से पर्यटन आम केवल मैथ ही प्राक्ट करवा, मैथ पूरा भल से प्राक्ट करवा, भल भल क्वेश्चन को प्राक्ट करवा आ एग्जाम रो 10 दिन थी आम केवल सेट मारा केवल केवल मानते केवल सेट ही मारा कि आगुरी आमको मैथ और रिजनिंग पूरा सिलेबस आम कंप्लीट करदे पड़ो ठीक अच्छे। तो ये आज एनालिसिस टोटल रिजनिंग एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस एनालिसिस आई होप आप समस्त भल लगे। नेक्स्ट क्लास आम आसबू जदि आसबू एएसओं तेल मैथ्र कम्प्लीट सल्यूशन नहीं आसबि ताप रिजनिंग नहीं आसबि ठीक अच्छे। तो आम सह जोड़ी रुंतु एवं जदि भिडा भल लगला भिडियो को सेयार करूँ और लाइक गोटे गोटे कर दिखा। आप लाइक करना भिडियो को देखुं कि लाइक करना प्लीज लाइक कर दिखाँ और जदि भी भल लगुनि प्लीज कमेंट बक्स कमेंट करूँ कि ना सर आमको यहाँ दरकार यहाँ दरकार आमको सेयार प्रोवाइड करूँ आम निश्चय आपण कमेंट को सम्मान देकर आम प्रोवाइड करूँ ठीक अच्छे। तो ये आज क्लास जदि आपको कौन से जिके जेस पी डी एफ दरकार तो आम प्लीज आम टेलीग्राम चैनल अच्छे तेरे आम सब पी डी एफ प्रोवाइड करूँ। टेलीग्राम चैनल ना हो नॉलेज हब 98 नॉलेज हब 98 जार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवि आपण मानक जाकि चेकआउट भी करें ठीक अच्छे। प्रति पी डी एफ आम से दूचु जिके जेस तो स्टार्ट है जब स्टार्ट हम आम सांगे सांगे पी डी एफ प्रोवाइड करदेव फ्री अफ कस्ट जैक भल पी डी एफ सब बेस्ट पी डी एफ मु कह नॉलेज ऑफ 98 टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छे और पी डी एफ रो फायदा उठाँ ठीक अच्छे। तो ये आज क्लास एवं जदि आप क्लास भल लगे प्लीज वीडियो अधिक अधिक शेयर करूँ और वीडियो लाइक कर दिंतु और जदि आपने चैनल नुआ अच्छे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। पुणी थे मिशन नेक्स्ट क्लास में मैथ रो कंप्लीट सॉल्यूशन लेके एएसओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ कंप्लीट डिटेल एंड डिटेल सॉल्यूशन लेके आसबी नेक्स्ट क्लास में। से पर्यंत रही जय जगन्नाथ धन्यवाद।